डर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मुबशरा मंजूर वेलकम टू माई क्लास वे वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑफ ग्रेट 12 आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ इन कॉन्टीन्यूएशन टू आर लास्ट टॉपिक विच स्टेटमेंट्स राइट तो स्विच स्टेटमेंट्स में हम ये देखेंगे आज कि उसका कोड हम किस तरह से लिखते हैं ये देखेंगे कि उसमें कोड में आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस को ब्रेक को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वी विल डू इट विद लाइव अकोडिंग एग्जाम्पल्स सो आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और स्विच स्टेटमेंट की हमने जितनी भी थेराटिकल नॉलेज जितना कॉन्सेप्ट था उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इस लेक्चर में वील गो टू वर्ड्स द एग्जाम्पल्स एन वील इम्प्लीमेंट दोप ऑन टू द आई डी ई और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट टेक्स हैंडल कर सकते हैं प्लस देर विल बी मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स जिनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वी कैन चेक के वो नंबर जो है जो लेटर आपने एंटर uh, किया है वो क्या वाउल है या वो कॉन्सोनेंट है आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उसके अंदर कुछ डिफ्रेंट तरह के टाइप्स uh, होती हैं यानी ए ई e, आई ओ यू जो है दे आर कॉल्ड वाइट आपके मोस्टली जो वर्ड हैं उसके अंदर वॉवल्स साउंड होते हैं मतलब दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ द लेटर्स जिसमें कहीं ना कहीं वॉवल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं अच्छा कुछ इसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर्स हैं ट्वेंटी सिक्स टोटल लेटर्स है उसमें से पांच जो है वो वॉवल्स हो गए रेस्ट आर कॉल्ड कॉन्सोनेस ठीक है कॉन्सनेंट्स का मतलब ये कि वो वॉवल्स नहीं हैं अब अगर हम कॉन्सनेंट्स के लिए अलग प्रोग्राम uh, की लॉजिक बनाएं और वॉवल्स के लिए अलग बनाएं तो इट विल बी अूज प्रोग्राम सो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वॉवल्स को डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि उसको अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ तो वो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड सी दैट हाउ कैन वी डू द कोडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम सो so स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर uh, में हम कम्प्लीटली एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से हैंडल करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स आर रिलेटिवली न्यू फॉर यू इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स सो वन बाय वन हम देख आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें है यू हैव टू चेक द लेटर वेदर इट इज़ कॉन्सनेंट और इट इज़ वोवल ठीक है तो अब ये मैंने आपसे एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था कि हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से करेंगे लेट्स राइट इट डाउन हम क्या करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का हो ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास स्विच uh, स्टेटमेंट के केसेस में दो ही ऑप्शंस है कंडीशन के लिए या एक्सप्रेशंस के लिए या तो आपकी वेरिएबल टाइप इंटीजर हो सकती है या कैरेक्टर टाइप हो सकती है इसके अलावा कोई भी डेटा टाइप्स आप स्विच के केस में यूज़ नहीं कर सकते दैट इज़ वाई मैंने पहली जो एग्जांपल ली है वो मैंने कैरेक्टर के साथ ली है इसके बाद हम इंटीजर के साथ भी एक एग्जाम्पल देखेंगे सो नाउ इफ आई आस्क यू टू एंटर योर कैरेक्टर तो मैं एक जो है छोटा सा डिक्लेरेशन करा लेती हूँ मैं कहती हूँ कि अच्छा आप अपना जो कैरेक्टर है वो प्लेस कर दें या एंटर कर दें सो आई वुड से कि एंटर योर कैरेक्टर या आई वुड से एंटर एन अल्फाबेट ठीक है ये मेरे पास मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद कैरेक्टर की इनपुट कैसे लेते हैं दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग पार्ट आपको याद होगा हमने इससे पहले लेक्चर्स में देखा था लास्ट uh, चैप्टर में कि आपने अगर कैरेक्टर की इनपुट लेनी है तो यू हैव टू यूज़ अ फंक्शन विच इज़ गेट सी एच और गेट सी एच ई तो हम गेट सी एच ई यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाई बिकॉज गेट सी एच एक वट एवर यू राइट यानी कि अगर आप जो कुछ लिखते हैं कंसोल पे वो प्रिंट भी होता है वहाँ पर यानी कि नज़र भी आता है आपको कि आपने क्या लिखा है विच मीन्स कि अगर मैंने कैरेक्टर में इनपुट लेनी है तो मुझे गेट सी एच ई यूज़ करना पड़ेगा अगर आप देखें यहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं द द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज दैट ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंटीग्रेट विद इन वन प्रोग्राम बहुत सारे पिछले जो कॉन्सेप्ट होते हैं चाहे वो चैप्टर कोई भी हो जिसमें आपने डिस्कस किए हैं लेकिन वो सम और दी अदर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में इंटीग्रेट हो जाते हैं सारे के सारे सम होकर आपको एक जगह पर मिल जाते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है अच्छा आप लोगों में से सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कीवर्ड जो है वो स्मॉल केस लेटर्स के साथ है स्विच इट मीन्स कि आप हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है दैट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड जिस केस में प्लेस हुआ हुआ है मुझे उसी में उसको एंटर करना है अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस कर दूं इसको बाय मिस्टेक भी तो आप देखें उसने बोल्ड नहीं किया उसकी वर्ड को क्योंकि उसके पास वो की वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इट मीन्स के आई हैव टू फॉलो द आई हैव टू फॉलो सिंटेक्स रूल्स ठीक है वो अगेन आपको आप पहले चैप्टर्स में ही डिस्कस कर चुके हैं सिंटेक्स के रूल्स क्या है अच्छा अब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी चेक करेगी कंडीशन जो कि हमने दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है नाउ देर आर केसेस मैं फर्स्ट केस लिखती हूँ दैट इज़ ए यानी कि अगर जो आपने एंटर uh, किया है कैरेक्टर या यूज़र ने कैरेक्टर एंटर किया है वो स्मॉल ए है तो आप क्या कहें कि ये क्या है क्या आपने प्रिंट करवाना है अच्छा अगर देखें आप तो मैंने यहाँ पर कॉलन प्लेस करना था आई विल से राइट right? के जो आपने एंटर किया है वह एक वॉवल है कैरेक्टर इट्सा वॉवल ठीक है आपके पास आ गया इसके बाद अब यहाँ पे केसेस खत्म नहीं हुए मेरे पास ठीक है ना और आप स्कोप भी देखें तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि स्कोप अगर केस है तो केस के अंदर स्कोप जो है उसकी स्टेटमेंट्स का स्कोप ये है एंड इफ़ आई हैव टू राइट अनदर केस आई हैव टू राइट इट राइट बिलो केस वन तो हमारे पास दूसरा केस जो है वो हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास पांच ऐसे लेटर्स हैं या पांच ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको अगर कोई एंटर करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो वॉवल्स हैं ए सेकेंड इज़ ई और अब यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगी कि इट्स अ वॉवल अगेन अगर आप देखें तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिव कंडीशंस हैं यानी कि मल्टीपल जो आपने स्टार्टिंग में दी थी वो कंडीशन ट्रू हो सकती है इन मल्टीपल केसेस तो आप इसीलिए उसके मल्टीपल केसेस जो है वो चेक कर रही हैं अब मैं कहती हूं कि जो मेरा लेटर uh, है अगर वो आई हो यानी एंड यू जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं वॉवल्स हैं अगेन आई विल प्लेस नदर वन आई विल से कि इफ़ इट इज ओ तब भी उस केस में भी आप कहें कि इट इज़ अवॉवल इसके बाद लास्ट केस मेरा होगा कि यू ठीक है तो अगर ये लेटर्स बाय इन एनी केस आपका जो यूज़र है अगर मैं इंडेंटेशन सही नहीं डालूंगी तो ये अगेन प्रिंट इन एनी केस हो जाएगा अच्छा मैंने आपको स्विच uh, के केस में बताया था कि आप यूज़ कर सकते हैं केसेस और केसेस के साथ आप डिफॉल्ट वैल्यू भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिफॉल्ट केस भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैं डिफॉल्ट का कीवर्ड लिखूँगी उसके आगे कॉलन और उस केस में मैं ये कहूँगी कि प्रिंट इट इज़ अ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके अलावा कोई भी और लेटर है तो वो कॉन्सोनेंट है अच्छा यही डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं इन्हीं केसेस से पहले भी प्लेस कर सकती हूँ और बाद में भी एल्स की तरह इसकी कोई रिस्ट्रिक्टिव जो प्लेस है वो नहीं है लेट्स ट्राई दिस आउट अगर हम इस प्रोग्राम uh, को रन करते हैं अगेन इट इज़ आस्किंग मी टू सेव इट एंड इट्स टेलिंग मी अच्छा अगर आप देखें तो मेरे पास एरर आ रहा था और एरर क्यों आ रहा था इफ़ यू सी आपको याद होगा कि अगर हम गेट सी एच ई यूज़ करते हैं तो हम कभी भी गेट सी एच और गेट सी एच ई को एस टी डी आई ओ हेडर फाइल के साथ नहीं यूज़ कर सकते बल्कि हमें उसके लिए एक एडिशनल हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती थी विच वॉज इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच या फिर कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच और वो मैं ऑब्वियसली एड करना भूल गई थी इसी वजह से क्या हो रहा था वो मेरे पास एरर आ रहा था आई सनसाइफिकेटेड आउट इसको हम रन करके देखते हैं इट्स जस्ट दैट आई शुड प्लेस अ बैक स्लैश एन ओवर हेयर या ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो और क्लटर ना हो प्रोग्राम तो आई वुड से के बैक स्लैश एन हर एक के साथ मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर सो दैट इट इज़ ऑलवेज़ ऑन द नेक्स्ट लाइन इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ, आ रहा है अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करें एंड एग्जीक्यूट इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ एरर सो अब मैं अल्फ़ाबेट uh, जो है वो एंटर करती हूँ सपोज आई से सी इज़ माई अल्फाबेट तो इट सेज के इट्स अ कॉन्सनेंट जो कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है बिल्कुल ठीक है इसी तरह से लेट्स चेक इट अनदर टाइम जिसमें हम वॉवल्स में से ही कुछ प्लेस uh, करते हैं एंड लेट्स नॉट अच्छा अब अगर मैं प्लेस करती हूँ ए एज अ वॉवल तो उसने मुझे ये कहा इट्स अ वॉवल एंड इट्स अंसनेट लेट्स चेक दिस आउट कि हमारे पास हुआ क्या मैंने कहा कि मेरा जो वैल्यू है दैट इज ए और मैंने उसके बाद अगर आप देखें तो उसने पांच दफा मुझे कहा कि ये वॉल है और उसने ये भी कहा कि ये कॉन्सेंट है तो ऐसे क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि अनलाइक कंडीशनल स्टेटमेंट केसेस के केस में क्या होगा कि अगर आप ब्रेक एंटर नहीं करते यानी आप ब्रेक नहीं लगाते आफ्टर एवरी केस तो वो क्या करेगा हर केस को चेक करेगा और हर एक के केस में जो भी जो आपके पास स्टेटमेंट्स uh, हैं उनको वो प्रिंट करता जाएगा हर केस में तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ब्रेक लगाना इम्पोर्टेंट है यानी ब्रेक की जो स्टेटमेंट है इफ़ यू सी मैं हर एक में क्या करूँगी यहाँ पे ब्रेक की जो स्टेटमेंट जो की है वो मैं यहाँ एंटर कर सकती हूँ हर एक में क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर वो एक दफ़ा मैंने ए प्रेस किया है तो वो मुझे हर एक केस को चेक करके जो है उसका आंसर रिटर्न करे क्योंकि अगेन इट इज़ एक्सटेंसिव टू माय कंपाइलर एज वेल एज मुझे वो आंसर भी बहुत क्लटर्ड फॉर्म में मिल रहा है कि पांच दफ़ा वो आपको बता रहा है एक ही चीज़ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा ब्रेक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अदरवाइज इट विल चेक एवरी अदर केस दैट इज पॉसिबल और उस सबको ही प्रिंट करवाएगा जैसे कि अभी आपने देखा कि वेदर और नॉट द केसेस नेक्स्ट केसेस ट्रू इट इज प्रिंटिंग वट एवर इज एसोसिएटेड विद दैट केस ठीक है ना यानी कि अगर एक केस भी ट्रू हो गया है तो उसने अगले सारे केसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है हर केस की जो उसने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दी है सो नाउ लेट्स सी के अब किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा अगर हमने ब्रेक प्लेस की है तो नाउ आई एम एंटरिंग आई एज माय एल्फाबेट तो अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि इट्स अ वॉवल और अब सिर्फ एक स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रही है इसी तरह अल्फाबेट uh, के आगे मैं एक uh, ये डाल देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आगे ही उसके प्लेस हो जाता है इसी तरह अगर मैं सिर्फ लास्ट वाला भी जो है यानी अगर मैं यू भी प्लेस करती हूँ तो तब भी वो मुझे कह रहा है कि इट्स अ वॉवल अच्छा एक और कंडीशन हम इसमें चेक करते हैं वट इफ़ आई टर्न ऑन माई कैप्स लॉक और मैं कहती हूँ कि मैंने अब प्लेस किया है यू अभी ये आपने केस चेक किया कि हमारे पास इस केस में यानी कि जो हमारे पास ये था एक यू का केस था उसमें इट सेड के इट इज अव राइट इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं लॉक के साथ वही लेटर एंटर करूं तो क्या होगा नाउ इट सेज अगर अगर मैंने यू एंटर किया अभी भी लेटर यू ही है लेकिन नाउ आई चेंज द केस ऑफ द लेटर तो उसने कहा कि इट इज़ अ कॉन्सनेंट क्योंकि कॉन्सनेंट तो डिफॉल्ट में था तो उसके पास जो भी कोई केसेस जो हैं वो फॉल्स हो गए तो उसने कहा ये तो कॉन्सनेंट है विच इज़ रॉन्ग क्योंकि यू तो अभी भी वॉबल ही है इस केस में इसका मतलब ये हुआ हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बैक एंड पे आस्की कोड्स चेक करता है और आस्की कोड्स जो हैं कैपिटल और स्मॉल केस लेटर्स के डिफरेंट होते हैं इसीलिए अगर मैंने अपने केस में स्मॉल यू जो है वो एंटर किया है तो वो सिर्फ स्मॉल यू को ही चेक करेगा स्मॉल केसेस को ही चेक करेगा द, जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको चेक नहीं करेगा इसके लिए क्या होगा अगर हम उस केस में यानी कि अगर हम होते इफ़ कंडीशन के केस में तो हम यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कर लेते राइट right? हम क्या करते लॉजिकल ऑपरेटर और लगाते और उससे दोनों केसेस को चेक कर लेते लेकिन यहाँ पे आपको एक और केस बनाना पड़ेगा यानी आप दो केसेस अप्लाई करेंगे इट वर्क सिमिलर टू लॉजिकल और ऑपरेटर विद इन योर इफ़ कंडीशन इफ कंडीशन के क्या अंदर होता था कि उसकी कंडीशन में ही आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते थे एंड या और या नॉट और आप मल्टीपल कंडीशन को हैंडल कर लेते थे थे एट अ टाइम लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे यू हैव टू मेक मल्टीपल केसेस जिसमें क्या होगा कि मुझे एक ही केस के लिए अगर मैं चाहती हूँ कि वह स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ऑफ ए को रिकगनाइज करे एज़ वोवल तो मुझे दोनों केसेस यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे तो अगर आप देखें मुझे हर एक केस में एक और केस एंटर करना पड़ रहा है ए कैपिटल ई और स्मॉल ई e, इसी तरह कैपिटल आई एंड स्मॉल आई सिमिलरली कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ तो हमारा जो यहाँ पे काम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ये देखें और डिफॉल्ट में मैं कहूँगी कि वो ब्रेक ही करे उसे और वो कहे कि ये कॉन्सनेंट है ठीक है तो अगर अब आप देखें तो इट इज़ मोर लाइक वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते थे विद इन इफ़ कंडीशन या इफ एल्स कंडीशन और उसमें हम मल्टीपल एक्सप्रेशन को एक ही टाइम पे हैंडल कर लेते थे यहाँ पे आपको मल्टीपल केसेस डिफ़ाइन करने पड़ेंगे जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे किया है अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखें एग्जीक्यूट करूँगी मैं इसको अब अगर मैं इसको कैपिटल ए भी दूंगी तो इट विल टेल मी के इट इज़ अ वॉवल राइट तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा लेंथी तरीके से लेकिन हो गया हमने उनको डिफरेंट uh, तरह के एक्सप्रेशन जो हैं वो uh, बता दिया और उसको कंक्लूड कर दिया सो दैट वॉज़ द प्रोग्राम विच वॉज़ फॉर चेकिंग द कॉन्सनेंट एंड वोवल लेटर्स और उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने का टेकिंग अ कैरेक्टर इनपुट विद इन स्विच स्टेटमेंट्स अब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द पर्सन इज ऑथराइज्ड टू एंटर अ नॉट टू एंटर और नॉट ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी इफ़ कंडीशन में कर चुके हैं इफ़ एल्थ कंडीशन में हमने सेम प्रोग्राम किया था कि अगर आपके पास मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास पासवर्ड्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ और मैं उसे कह देती हूँ पासपोर्ट आपने एक ऐसी फैसिलिटी के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि कुछ लोगों को ऑथोराइज़ करती है टू एंटर एंड अदर पीपल आर नाट अलाउड टू एंटर ठीक है तो यहाँ पे मैं उन्हें कुछ ना कुछ पासकोड्स साइन कर दूंगी जो कि वो आइडेंटिफाई करवा के तो आ, अपने आप को एंटर करवा सकते हैं अब मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या है पासकोड एंड इट इज़ अ एन इंटीजर टाइप वेरिएबल इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास पासकोड में क्या क्या आ सक वन जीरो वन वन मैं कहती हूँ एक पासवर्ड ये है वन जीरो वन वन जो कि मैंने खुद असाइन किया है टू अ पर्सन कि आई वुड से यू आर अलाउड टू एंटर ठीक है सिमिलरली मैं कहूं कि अगर दूसरा जो मेरा केस है दैट इज कि मेरा जो नंबर है दैट इज वन जीरो वन टू अगर ये नंबर भी कोई एंटर करता है अच्छा यहाँ पे आप देखें कि मैं कैरेक्टर इनपुट की तरह की इनपुट नहीं दूंगी बल्कि मैं वैल्यू जो है वो दूंगी, यानी कि मैं इस कहूँगी कि जो पासकोड है, इज़ इक्वल टू भी दे सकती हूँ या मैं वैल्यू दे सकती हूँ डायरेक्टली क्योंकि हमने जो कामर्स डाले थे या जो हमने आ, जो हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं सिंगल कोर्ट्स दे आर टू रिप्रजेंट कैरेक्टर्स तो इसीलिए यहाँ पे मुझे इंटीजर्स केस में वो कैरेक्टर्स प्लेस करने की जरूरत नहीं है नाव आई से मेरा कोड है वन जीरो वन थ्री और उसको भी मैंने कहा कि ये है कि यू आर अलाउड टू एंटर अगेन इट विल से यू आर अलाउड टू एंटर और मैं केस बना लेती हूँ जो कि है वेडियबल इंटीजर का ही एंड यू हैव टू एंटर द पासपोर्ट विच इज़ वन जीरो वन फोर अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि दे आर वेरी ईजी पासपोर्ट्स तो आप ऑब्वियसली <laughs> अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू मेक इट इंटरेस्टिंग अच्छा जी इसके बाद हम कह सकते हैं कि यू आर नॉट ऑथराइज नोट ऑथराइज एंटर ठीक है यू आर नॉट ऑथराइज उस बंदे के लिए है जो कि इन कोड्स में से किसी भी कोड का जो है इंफॉर्मेशन नहीं रखता उसका मतलब ये है enter your जी तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पे हमें जो इनपुट लेनी है उसके लिए हमें गेट सी एच यूज करने की जरूरत नहीं है सेम इज फॉर द आयो ना हमें इसकी ज़रूरत है ना ही हमें इसकी ज़रूरत है बल्कि इन स्टेड वट एम आई गोइंग टू डू स्कैन एफ अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती तो मेरे पास डेफिनेटली ये कैर आता ठीक है स्कैन एफ में मैं उसे क्या बताऊंगी कि मेरी जो इंटीजर वैल्यू है वो गेट uh, करनी है फ्रॉम द यूज़र सो आई गिव परसेंटेज डी साइन एंड आई आस्क इट टू स्टोर इट इन टू द वेरिएबल पासकोर्ट तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है कंपाइल एंड रन इट्स रनिंग फाइन एंड इट्स आस्किंग मी टू एंटर अ पासकोड एंड पासकोड आ रहा है लेट्स चेंज इट एंटर अ पासकोड एंड एग्जीक्यूट अगेन। अच्छा जी अब हमारे पास क्या है एंटर पासपोर्ट लेट्स आई से मैं माई पासपोर्ट इज जीरो 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 सो इट सेड यू आर नॉट ऑथराइज ठीक है ना क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पासपोर्ट um, था वो रॉन्ग था और मैं ऑथराइज नहीं हूँ एंटर राइट क्योंकि ये पासपोर्ट मैंने दिया ही नहीं था एज अ केस राइट या कंडीशन नाउ लेट्स डू इट अगेन और मैं कहती हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ दोबारा से और मैं अब अपना जो पासवर्ड देती हूँ दैट इज़ वन जीरो वन फोर एंड इट विल टेल मी दैट यू आर अलाउड टू एंटर इफ़ यू सी इट सेज यू आर अलाउड टू एंटर इसका मतलब ये है कि मेरा कौन सा वाला केस जो है वो ट्रू हो गया जिसमें मैंने 1014 जीरो वन फोर वैल्यू सेलेक्ट की थी फॉर द पासकोर्ट सो इफ यू सी हम या तो इंटीजियर वैल्यूज ले सकते हैं या फिर हम कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं विद इन द स्वेच्स स्टेटमेंट एंड इट वर्कस प्रिटी मच लाइक द कंडीशन स्टेटमेंट वी हैव स्टडीड अबव बिफोर विच आर इफ कंडीशन ठीक है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ इंटीजियर वैल्यूज़ को ही सपोर्ट करता है या फिर ये कैरेक्टर वैल्यूज को सपोर्ट करता है इट डज नॉट सपोर्ट एनी अदर डेटा टाइप विद इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ओनली कंडीशंस विद इन द प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स हैं या जो आपका कोड है जो काम आपने उससे करवाना है वहाँ पे बहुत सारी और डेटा टाइप्स पॉसिबल है लेकिन जो आपने कंडीशन देनी है उस कंडीशन के अंदर ओनली पॉसिबल डेटा टाइप और अलाउड डेटा टाइप इज ईदर कैरेक्टर और इंटीजर अगर मैं इसी इंटीजर वैल्यू को समहा देती हूँ इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे फ्लोट uh, कह देती हूँ पासपोर्ट और यहाँ पे भी मैं एफ वैल्यू ही असाइन कर देती हूँ तो लेट्स सी कि यहां पे क्या होता है मेरे पास ओके सो इफ यू सी इट सेज स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर अगर आप इसका जो एरर मैसेज देखें तो इट कि स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर क्यों वो कह रहे कि ये इंटीजर नहीं है तो ये आपको नॉर्मली इसी का ही एरर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा कि इंटीजर नहीं है वो आपको नहीं कहेगा कि कैरेक्टर नहीं है इट विल ओनली से कि इंटीजर नहीं है बिकॉज यू सेड कि इट इज सपोज टू बी इंटीजर और इट इज सपोज टू बी अ अच्छा यहाँ पे एरर्स सम कभी कभार एरर्स आर गुड फॉर यू क्योंकि वो आपको खुद एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके पास क्या क्या एरर आए थे और एक दफ़ा बिलीव मी आपके पास जो एरर आएगा आप मे भी उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे या आपके माइंड में वो रह जाएगा कि अगर मैं ये मिस्टेक करूँ तो उससे ये एरर जो है वह अकड़ होता है सो अन ट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने कोर्ड्स की ऑन द कंसोल ऑन द आई डी ई तब तक आपको प्रोग्रामिंग का उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा सीखने का जितना कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से होगा सो आई वुड सजेस्ट to do a lot of practice for your programming tasks. So students, I hope आजकल जो lecture है वो आपको पसंद आया होगा, आपको interesting भी लगा होगा। इसमें हमने सारे का सारा जो understanding है हमारी, वो coding के through ही हुई है। हमने सारे के सारा जो examples हैं, उनको live code के through ही discuss किया है। So आप लोग भी इसको practice करें and uh, we'll meet you in next lecture. Allah Hafiz.